20 अक्टूबर 2021 को मार्क जुकरबर्ग ने ये अनाउंस किया था कि आज से फेसबुक मेटा के नाम से जाना जाएगा। अगर हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसी ऐप की बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में पहले पता होता तो शायद हम इनसे इतने एडिक्टेड नहीं होते। मेटा यानी बियॉन्ड और वर्स यानी यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू मार्क जुकरबर्ग, FB अब सोशल मीडिया ऐप से आगे बढ़ के एक मेटावर्स कंपनी बनने वाली है। अगर आपको म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करना हो तो आप रेडी होकर वहाँ जाओगे और एंजॉय करोगे, बट विद द हेल्प ऑफ मेटावर्स आप ये अपने सोफे पे बैठ के कर सकते हो। पर इट्स ऑल्सो डेंजरस। जिसे समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट इज व्हाट फेसबुक is doing, second is how Facebook is doing this, and third is how this will change our social behavior. So answer of first is FB एक social media company थी with 3 products, FB, Insta and WhatsApp, और इनकी philosophy थी buy, copy and destroy. Insta और WhatsApp को buy कर लिया, Snapchat और TikTok को buy नहीं कर पाए तो उनके feature copy कर लिया, और जहाँ ये दोनों चीज नहीं हो सकती वहाँ वो use करते हैं destroy. 90% people use social media for feel good purpose and you can only monetize on attention. कोई भी customer behavior में change आता है तो वो ripple effect से फैलना शुरू हो जाता है। सिमिलरली FB एंड इंस्टा की एड्स को इग्नोर करना एक कंज्यूमर बिहेवियर बन रहा है और इसके लिए ये एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। फॉर दैट वी हैव टू सी द सेकंड क्वेश्चन, हाउ FB विल डू दैट। फेसबुक विल लॉन्च VR डिवाइसेस टू गिव अ वर्चुअल एक्सपीरियंस। 20 अक्टूबर को फेसबुक ने मेटावर्स अनाउंस के दौरान बोला था कि नेक्स्ट ईयर वो कैम्ब्रियन नाम का एक डिवाइस लॉन्च करेंगे। उसके थ्रू जब आप अपने अवतार्स के जरिए वर्चुअल मीटिंग्स लोगे तो वो अवतार्स आपके सेम फेशियल एक्सप्रेशन मिमिक करेगा और वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस एनहांस होगा। FB का फर्स्ट एम होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेटावर्स का पार्ट बनाना। इनके 3 मेन एलिमेंट्स हैं, पीपल, बिजनेस एंड क्रिएटर्स। FB बिजनेस से एडवर्टाइजिंग फीस लेगा, फेसबुक कुछ इस तरह से पैसे कमाएगा, प्लेटफॉर्म फीस लेगा, कमीशन ऑन सेल्स, फेसबुक विल लॉन्च देयर ओन प्रोडक्ट। मेटावर्स हमारी 70% लाइफ आसान बना देगा, पर स्टिल इट्स टू डेंजरस। व्हाई? व्हिच लीड अस टू द थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा सोशल बिहेवियर कैसे चेंज करेगा, व्हिच इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड। मतलब जब आप मेटावर्स पे टाइम स्पेंड करने लगोगे तब आपकी डिजिटल लाइफ की वैल्यू एक्चुअल फिजिकल लाइफ से ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में 99% अटेंशन देते थे, जो टीवी के आने से 85% हो गया। आफ्टर कंप्यूटर इट डिक्रीज टू 70% एंड आफ्टर मोबाइल फोन इट हैज कम टू 50% ओनली। हमारी बॉडी अटेंशन एनर्जी फ्लो पर वर्क करती है, मतलब जहां हमारी अटेंशन जाएगी वहीं हमारी एनर्जी खर्च होगी। सेम, जहां पर आपकी अटेंशन ज्यादा होगी वहां पर FB सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा। स्मार्ट ग्लास के आने के बाद हमारा 50% स्क्रीन अटेंशन बढ़कर 90% हो जाएगा। इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है कि आप अपनी लाइफ पर सारा कंट्रोल खो दोगे। इसका एक ही सॉल्यूशन है, रेशनल थिंकिंग। आस्क योरसेल्फ यूटिलिटी एंड प्लेजर। आप दिन में जो भी चीज करते हो जिसमें आप 20% से ज्यादा टाइम देते हो तो खुद से पूछो कि इससे आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है या प्लेजर मिलने की वजह से ये कर रहे हो। इफ उसमें आपको प्लेजर मिल रहा है तो स्टार्ट रिड्यूसिंग इट स्लोली, जिससे आपके पास 3 चीजों का फायदा होगा। फर्स्ट इज मोर टाइम, सेकंड इज लेस इन्फ्लुएंस एंड थर्ड इज इन्फॉर्म्ड डिसीजन। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ, डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।